गुड मॉर्निंग, हम कर रहे हैं नरेशन। इसमें सेकंड डे हमने बोला था कि प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग रिकॉर्डेड स्पीच का आरएस का टेंस नहीं बदलता। साथ में हमने ये भी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज टेंस में भाव के हिसाब से बदल जाता है। कुछ प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वो सब में होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जिसे आपने वॉइस में देखा है, लेकिन वॉइस में अपना ही होता है, लेकिन यहाँ देखो कैसे होता है, फर्स्ट पर्सन। मैं यूं डाल देती हूँ, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आई, माय, मी और माई सेल्फ। ऐसे ही सेकंड पर्सन, ये तो सिंगुलर है, दूसरा है वी, आवर, अस और आवर सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में है यू, यू का योर और यू और योर सेल्फ, ठीक। यानी पहला पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में आता है जैसे ही, शी, इट और दे। अब ही का देखो, ये वाली फॉर्म जो है हिज, शी की है हर, इट की है इट्स और दे की है टी एच ई आई आर, देयर, ठीक है। नेक्स्ट है हिज का, यहाँ है हिम, शी का है हर और इट्स का है इट और देयर का है टी एच ई एम, देम। नेक्स्ट ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ और दे का देमसेल्फ, टी एच ई एम एस ई एल वी ई एस, देमसेल्फ। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको आई दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में ही है, तो आपको आई को ही के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। आई है तो ही हो जाएगा, माई है तो हिज हो जाएगा, मी है तो इसी की फॉर्म हिम हो जाएगी, माई सेल्फ है तो हिम सेल्फ हो जाएगा। और अगर यहाँ वी है और वी को दे दिया इससे, तो फिर आपको बदलना पड़ेगा वी की जगह ही, आवर की जगह हिज। तो ये आपको देखना है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन से पर्सन के अकॉर्डिंग है। ये हम एक सेंटेंस जैसे लिखते हैं, ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ, देखिएगा, ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। तो यहां पे देखो, और मैं यहां पे सैड की जगह पे सेज कर देती हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको चेंज करना नहीं बताया। तो देखो मैंने बोला ऑब्जेक्ट नहीं है इसके आगे, तो सेज सेज में ही रहेगा, ही सेज। दूसरी चीज, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस है, तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन। यानी कि आप देखो इसके अकॉर्डिंग बदलता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलता है ये। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ये है, और ये किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन देखो ही के हिसाब से कहां ले आओ, इधर, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, दैट लगा दो कंजक्शन और ये हो गया ही। ही के साथ आपको पता है डू नहीं लगता, डज लगता है, टेंस नहीं बदला है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ही के साथ डू नहीं लगती है, डज लगता है। तो यहाँ पे वैसे भी देखा जाए तो मैं मेरा काम करता हूं, अगर वर्ब के रूप में हो तो भी डू में फर्स्ट फॉर्म करता एक वचन है, इसलिए एस सी एस लग गया,
अब माई, माई जो है ये माई किसके हिसाब से बदला, ये आई ही में बदला, तो माई किससे बदलेगा, हिज में, तो हिज। वर्क, अब माई सेल्फ, देखो माई सेल्फ इसी की फॉर्म है, तो माई सेल्फ किसने बदला, हिम सेल्फ में, हिम सेल्फ। ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा हटा दिया और लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नेक्स्ट, अगला रूल जो भी है आप देख लीजिएगा, नंबर डाल के, मैं तो आज के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ कि आज का है ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, और दूसरा है आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की यानी पास्ट टेंस हो, क्या हो, पास्ट टेंस यानी सैड, सेकंड फॉर्म है सैड हो, हैड सैड हो, या वॉज सेइंग हो, इस तरह के वर्ब हो यानी पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो सैड जो है, और साथ में ये भी बोला आपको कि अगर अंदर क्या है, तो यहां पे अगर बाहर सैड दिया है, सैड हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, और अगर सैड टू है तो सैड टू भाव के अनुसार, सैड टू भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में बदल दिया जाता है। पहला तो यही हो गया कि आर्मी में अगर पास्ट टेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे अगर पास्ट टेंस आ गया तो अंदर इसका टेंस बदल जाएगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जैसे सेट टू है, तो सेट टू को भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड में बदल देते हैं, लेकिन अगर सेट टू यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सैड सैड में ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सैड सैड में रहेगा, से में रहेगा, से में ही रहेगा। ये हुआ आपका ये। अब देखो सेकंड टेंस संबंधी परिवर्तन, मैंने आपको लिखाया कि अगर पास्ट टेंस है तो परिवर्तन होगा, तो सबसे देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन के अंदर क्या क्या बदलते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस को अंदर, थर्ड नियम में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किसमें बदलेगा, पास्ट टेंस में, किसमें, सिंपल पास्ट यानी पास्ट डेफिनेट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किसमें बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही फिफ्थ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमने आज प्रेजेंट वाले बताए कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस है अंदर तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। नेक्स्ट में हम करेंगे कि अगर पास्ट हो तो किसमें बदलेगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।